अमेरिका का पूर्वी तट इस समय एक अजीब सी आवाज से गूंजता रहता है। 17 साल जमीन के भीतर रहकर अंडरग्राउंड रहकर बिताने वाले कुछ झींगुर, लाल सुर्ख आंखों वाले झींगुर अब जमीन से बाहर निकल रहे हैं। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। यह आवाज इन्हीं झींगुरों की रहती है, ये हमिंग साउंड करते हैं। इतने बरस बाद ये जमीन से बाहर निकले हैं, अपने साथी के साथ संभोग करते हैं, बच्चे करते हैं और फिर मर जाते हैं। यानी जिंदगी के अंतिम कुछ दिन बिताने के लिए ये बाहर निकलते हैं। इस समय इन इलाकों में पेड़ों को तो माने इन झिंगुरों ने पाट लिया है, यानी ढक लिया है। जिस अजीब सी आवाज का हम जिक्र कर रहे हैं वो निकालते हैं नर झिंगुर। इस आवाज के जरिए वो मादा झिंगुर को आकर्षित करते हैं। मादा झिंगुर इस आवाज की दिशा में आती है। अगर कभी उसे आवाज सुनाई न दे तो वह वहां जाती है जहां से आखिरी बार उसने आवाज सुनी। इसलिए झिंगुर की आवाज का प्रजनन में काफी महत्व होता है। इस मौसम के आते ही वैज्ञानिक भी एक्टिव हो गए हैं। वे बदलते मौसम, मिट्टी के बदलते स्वभाव और जलवायु परिवर्तन के बीच ये अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इन कीड़ों पर क्या असर पड़ रहा है। दरअसल झिंगुरों पर तापमान का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के बीच साल 2017 में वैज्ञानिकों ने तमाम ऐसे झिंगुर देखे थे जो अपना 17 साल का काल पूरा किए बिना जमीन से बाहर आ गए थे। ऐसे में अब वैज्ञानिकों के अध्ययन का केंद्र ये सवाल है कि क्या इन झिंगुरों के जीवन चक्र पर जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में 3 दशक से इन झिंगुरों पर ही शोध चल रहा है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि काफी समय से धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और उन्हें चिंता है कि इतने छोटे छोटे जीव इससे तालमेल बैठा पाने में नाकाम रहे तो इनका जीवन चक्र बुरी तरह प्रभावित होगा और कई प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा भी हो सकता है। शोधकर्ता ये भी देख रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस तरह के झिंगुर पाए जाते हैं, साथ ही जहां से भी संभव हो इनके कुछ डीएनए भी इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उनके आधार पर यह देखा जा सके कि इन्हें कब पता चलता है कि अब बाहर आकर प्रजनन का समय आ चुका है, कैसे इनका जीवन चक्र चलता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।